हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2016-17 में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उसको वेलनेस के माध्यम से सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे और ये पार्ट 5 है इस अध्याय का। तो गाइस इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 तक के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 4 तक के आरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं या आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर के उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो जब मानव श्वसन जो होता है यानी कि हम लोग जब श्वसन करते हैं तो इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है दुश्मनों की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए जो है सोनार नामक जो उपकरण है इसी का विकास किया गया था, इसी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में सोनार का। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग किरणें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग किरणें जो है इंफ्रारेड किरणें होती हैं। नेक्स्ट है, यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो जो है यूरोपियन जोन की मुद्रा है। नेक्स्ट है, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है? तो लॉग इन में जो है नाम और पासवर्ड का सत्यापन जो है उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की जो थलीय सीमा है यह भारत और म्यांमार के साथ है। नेक्स्ट है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसके बाद ही ताशकंद की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, खुजराहो के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो खुजराहो के जो स्मारक है यह मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा यानी कि अनुमानित कितना किया गया है? तो पृथ्वी की जो स्थलीय क्षेत्र की में है भारत का हिस्सा जो है स्थलीय सीमा तो ये 2.4 जो परसेंट ये अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट है, एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो एनजीटी का पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो वेस्ट इंडीज देश ने जो है 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीता है। नेक्स्ट है, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो आमतौर पर जो है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस यह एक अनुवांशिक प्रकृति है। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो भारत जो है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया था 2013 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो एक वयस्क मनुष्य होता है यानी कि एक एडल्ट मनुष्य जो है उसका पूरा पाचन तंत्र जो है यानी कि उसके मुंह से लेकर के गुर्दे तक का जो लंबाई है वो कितना होता है? 9 मीटर का होता है। नेक्स्ट है, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था? तो जी जियान निंग जो है ये राष्ट्रपति थे चाइना के और इन्होंने 2015 में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह जो है जी सेट 15 जो है भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया नया संचार उपग्रह था। नेक्स्ट है, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज 1 के 6/4/2016 के शिफ्ट 1 को। तो पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत की जनगणना जो है 2011 के अनुसार
इसकी जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खां के नाम से जो है खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस विमान वाहक जहाज को औपचारिक रूप से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो INS विक्रमादित्य जो वाहक जहाज है इसी को औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान के राजनीतिक प्रणाली को जो है अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में जो है संसद भवन का निर्माण जो है 1921 से लेकर के 27 के बीच के अवधि में किया गया था। 1921 से लेकर के 1927 के अवधि के बीच में संसद भवन का निर्माण किया गया था दिल्ली में। नेक्स्ट है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सी बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? तो जब कार जो है किसी भी गोलाई पर अगर मोड़ लेता है या कहीं भी मोड़ लेता है तो वह अपकेंद्रित बल पर जो है हमें बाहर की ओर, अपकेंद्रित बल के कारण जो है हमें बाहर की ओर धक्का देती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? तो प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं CSIR के। नेक्स्ट है, IP पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप के हर सेट को क्या कहा जाता है? तो IP पते का जो है यानी कि IP एड्रेस के बिंदुदार दशमलव प्रारूप के हर सेट को जो है ऑक्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है, पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? तो पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर जो है मुख्य रूप से इंसानों के बीच जो है मादा मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की जो नर्सरी स्कूल योजना है यह युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना से संबंधित है। युवा के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है एक नागालैंड का त्यौहार है, यहीं पर मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम है अर्चना रामासुंदरम है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यानी कि स्टेडियम कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लोकप्रिय यानी कि स्टेडियम है यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में जो है ब्रिटिश शासन का जो अंत हुआ था यह 1947 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली में जो है जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से जो है खगोलीय वेधशाला के रूप में महत्व है। नेक्स्ट है, मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? तो मुस्कुराते बुद्ध जो है भारत के द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु वन परीक्षण का कोड नाम था। नेक्स्ट है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा जो है किसे प्रदर्शित करता है? तो केंद्र सरकार का बजट घाटा जो है वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है उसी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग सिस्टम विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो मल्टीटास्किंग प्रणाली यानी कि मल्टीटास्किंग सिस्टम जो है विशेष रूप से एक से अधिक प्रक्रिया के संदर्भ को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, रक्तालपता एनामिक जो स्थिति है इसकी वजह से होती है? तो रक्तालपता जो है RBC की कमी से होती है। RBC की कमी के कारण जो है रक्तालपता होती है, यानी कि रक्त का कमी जो है RBC की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट है, 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है? तो 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम जो है भारती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जो है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करता है।
नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम जो है नींबू पानी है। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी जो ये है शब्द, ये जुड़ा हुआ है गुर्दा से, यानी कि किडनी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स जो है गोल्ड चैंपियनशिप हर साल लखनऊ में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है 2015 में पुरुष एकल टेनिस के अधिकतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीते हैं? तो 2015 में पुरुष एकल टेनिस के अधिकतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय खिलाड़ी जो है गगन नारंग, यह जो है एयर राइफल शूटिंग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है बिजली की मीटर रूपांतरित करती है कैसे? तो बिजली की मोटर जो है रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज वन के 6/4/2016 के शिफ्ट दो को। तो पहला प्रश्न है आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अनुवांशिक का जनक जो है ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाया गया है? तो हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षियों का प्रजाति जो है यह उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया था। नेक्स्ट है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पाश्चर को जो है रेबिस के टीका का खोज के लिए जाना जाता है। रेबिस का टीकाकरण किया था लुई पाश्चर ने ही, इसीलिए इसे रेबिस के टीके की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू जो हम लोग बचपन में खेलते थे इसको जो घुमाना या अपकेंद्रित बल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक ओएस जो है एप्पल के द्वारा जो विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार जो है भारत को स्वतंत्रता देने के लिए 1946 में सहमत हो गई थी। नेक्स्ट है लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो लीगो भारत परियोजना जो है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा नोट के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? भारतीय मुद्रा नोट के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए जो है इंटाग्लियो प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है कौन सा? तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा जो है मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट है 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2015 में जो है बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था किदाम्बनी श्रीकांत को दिया गया था। नेक्स्ट है वह कौन सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो रेलवे सुरक्षा बल जो है यह एक ऐसा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट है 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? तो 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम है बान की मुन जो है 8वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। नेक्स्ट है आग को बुझाता है कौन? तो आग को बुझाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया था? तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को जो है 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। नेक्स्ट है लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्यौहार जो है सिक्किम राज्य में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो सतह से हवा में मार करती है ये आकाश मिसाइल, तो ये आकाश मिसाइल का परीक्षण जो है अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की प्रमुख शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो है गंगा की मुख्य शाखा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है, तो प्लूटो को जो है एक बौना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है एक जनरेटर रूपांतरित करता है किसे, तो एक जनरेटर जो है रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन जो है 5 फरवरी 2016 को कहाँ किया था, तो प्रधानमंत्री ने 12वें एशियाई खेलों को उद्घाटन जो है ये 5 फरवरी 2016 को गुवाहाटी शहर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज वन के 7/4/2016 के शिफ्ट वन को। तो पहला प्रश्न है जिंक का उच्चतम स्रोत है, तो जिंक का उच्चतम स्रोत जो है अष्टभुज है। नेक्स्ट है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर बानर वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तत्वों एवं मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर वानर वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन जो है प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको कहते हैं, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं जीएसएलवी को। नेक्स्ट है एस मैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है इसे किसने लॉन्च किया था, तो एस मैप सैटेलाइट को जो पृथ्वी पर मिट्टी की नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है इसको जो है नासा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिसी जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है, तो गोवा के मशहूर चर्च का नाम है बॉम जीसस का बसिलिका। बॉम जीसस का बसिलिका जो है ये बहुत ही मशहूर चर्च है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी है और यहीं पर सेंट फ्रांसिसी जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया था। नेक्स्ट है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पर, तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना जो है यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC विश्व का सबसे बड़ा नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC विश्व का सबसे बड़ा भारतवासी भाषा पोर्टल परियोजना को शुभारंभ करेगा। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो अंटार्कटिका में ओजोन पर जो छिद्र हुआ है ओजोन में तो उसमें जो है भीषण गर्मी जब हो जाता है उस समय जो है ओजोन में जो छिद्र हुआ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था, तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है यह ओजोन को मापने के लिए विकसित किया गया था और इसको जो है प्रोफेसर जी एम बी डॉब्सन ने विकसित किया था। नेक्स्ट है 13 को बाइनरी में बदलिए, तो 13 को अगर बाइनरी में अगर बदलेंगे तो किस तरह का दिखेगा, तो 102 हो जाएगा वो। 13 को अगर बाइनरी सिस्टम में अगर बदलेंगे तो ये 102 लिखाएगा। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र का एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो नाट्य शास्त्र एक पुस्तक जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य पर जो है लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है, तो सबसे तेज मेमोरी जो होता है यह रजिस्टर मेमोरी होता है। नेक्स्ट है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए कल्पना में बेहतरीन काम के लिए 2015 मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है, तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए जो है कल्पना में बेहतर काम करने के लिए जो है 2015 का मैन बुकर पुरस्कार जो है मालन जेम्स को मिला गया था मैन बुकर प्राइज 2015 के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है, तो राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2008 साल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है जगमोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था,
तो जगमोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में शशांक मनोहर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो अमेरिका में जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट जो है 1958 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर जो है दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति पर जो है दबाव से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है, रसोई गैस में रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। रसोई गैस में जो रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में क्या प्रसार करेंगे? तो हवा में जो है इथाइल मर्केप्टान को प्रसार करेंगे, यानी कि फैलाएंगे, हवा में देंगे, छिड़केंगे, तो क्या होगा, रसोई में जो गैस का रिसाव हो रहा है उसका पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है? तो अफगानिस्तान पर जो है पर्शिया के दरायस प्रथम द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है? तो इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन जो है इंटरनेट टेलीफोन ही होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि सादमी एक्स द्वारा 2015 में दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास के लिए किए गए संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इस संयुक्त अभ्यास की मेजबानी जो है नई दिल्ली शहर ने किया था। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया जो है यह अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? तो ललित कला अकादमी जो है चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था, ललित कला अकादमी का। नेक्स्ट है, 2012 में DRDO ने विशाखापट्टनम में पानी के भीतर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पानी के भीतर प्रक्षेपण प्रणाली वाला पांचवा देश बन गया था। तो इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है K-15, जिसके द्वारा जो है K-15 के द्वारा DRDO ने विशाखापट्टनम में पानी के भीतर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पानी के भीतर ही प्रक्षेपण प्रणाली वाला पांचवा देश बन गया है। नेक्स्ट है, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव जो है ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे जो है हिमाक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NDCL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? तो शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए जो है NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम है www.vidyalakshmi.co.in। तो इस पोर्टल का नाम है www.vidyalakshmi.co.in। नेक्स्ट है, योगेश्वर दत्त को वर्ष 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था, वह किस खेल से जुड़ा हुआ था? तो योगेश्वर दत्त जो थे यह कुश्ती खेल से जुड़े हुए थे, जिसके लिए इन्हें 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने सम्मुख आंतरिक कोण का होता है? तो कितना होता है? तो वृत्त की परिधि पर बना कोण जो है वृत्त के केंद्र पर बने सम्मुख आंतरिक कोण का आधा होता है। नेक्स्ट है, फल चमगादड़ किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? तो फल चमगादड़ जो है इबोला बुखार रोग के परमाणुओं के प्राकृतिक पोषक है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था वो कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जो है पहला मानव जो है यूरी गार्गिन बन गया है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा? तो पैमाना जो है वजन अधिक दिखलाएगा। तो जब लिफ्ट के अंदर जो कोई भी व्यक्ति जो एक पैमाना लिफ्ट के अंदर जो है वजन का पैमाना पर खड़ा है तो लिफ्ट अगर तेजी से ऊपर उठता है तो पैमाना पर जो है अधिक वजन दिखाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक जो है यह टू द
ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरीज के लेखक कौन है? टू द ब्रिक्स एंड बैंक जो है इंडियाज 1991 स्टोरीज के लेखक है जयराम रमेश। नेक्स्ट है शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक जो किस खेल से साथ जुड़े हुए हैं? तो शब्द जो है डॉग पैडल, स्नॉकरलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक जो है या तैराकी खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के स्टेज वन के 7/4/16 के शिफ्ट दो को। तो पहला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो है बड़ी सफलता जो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ आई थी। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स ने किस फुटबॉल सुपरस्टार को अपनी यात्रा वाहनों के पोर्टफोलियो के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टाटा मोटर्स ने जो है लियोनेल मेसी जो एक फुटबॉल सुपरस्टार है इसी को यात्रा वाहन के लिए पोर्टफोलियो के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट है आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है भारतीय पैनल कोड, यानी कि इंडियन पैनल कोड जो है आईपीसी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है कितना? तो सामान्य मनुष्य में जो है खून बहने का समय जो है 2 से 7 मिनट और जमने का जो है खून जमने का समय जो है 3 से 10 मिनट तक का होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो स्टॉक जोसेफ कैली जो है एक अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे थे ये। नेक्स्ट है प्रांतीय चुनाव यानी कि प्रोविंशियल इलेक्शन किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो प्रांतीय चुनाव जो है यानी कि प्रोविंशियल इलेक्शन जो है 1936-37 साल में जो है ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है जिसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है लोहे की जंग क्या होती है? तो लोहे की जंग जो है रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है बौद्ध संरचना धामिक स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध संरचना जो है धामिक स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किसके दौरान स्थापित किया था? तो अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान अपने को स्थापित कर लिया था यहाँ पर। नेक्स्ट है किसको 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो बान की मून को जो है 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है हटीले यानी कि पर्सिस्टेंट कार्बनिक पदार्थों का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो हटीले यानी कि कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन जो है ज्यादातर हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सारावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? तो सारावती पनबिजली योजना कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किसमें अपने निर्वहन का निपटान करता है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो है एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट जो है बायो डाइजेस्ट ट्रैक में अपने निर्वहन का निपटान करता है। नेक्स्ट है 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद जो है बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री जो है शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे 1971 के स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात। नेक्स्ट है डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो डीएनए परीक्षण के संबंध में जो है पोलियो जो है विषम है। नेक्स्ट है कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजेल्स के संबंध में सच है? तो बेकार कागज से बना जो नव विकसित हुआ हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोल के संबंध में सच है। नेक्स्ट है रोगों को फैलाने वाले
कीड़ों का क्या कहता है, तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को जो है वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है पीसीबी का पूर्ण नाम क्या है, तो पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है पीसीबी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है, तो किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र का पैडलॉक जो है ये हरे रंग का होता है। नेक्स्ट है मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, तो मूलभूत जो अधिकार है हम लोगों का ये भारतीय संविधान में 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन जो होता है .inf जो है किसको संदर्भित करता है, तो कंप्यूटर फाइल नाम है ये .inf, यह स्थापित करता है स्थापना फाइल को, यानी कि यह फाइल कब स्थापना हुआ था इसका उसी को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन कब किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मानव रहित उपग्रह का सफल जो है कक्षीय प्रक्षेपण सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितना फुट ऊपर होती है, तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है समुद्र के स्तर से लगभग 29,000 फुट ऊपर होती है। नेक्स्ट है 2015 के अंत में कॉन डेविस कप देशों की आईटीएफ रैंकिंग में शीर्ष पर है, तो 2015 के अंत में जो है ग्रेट ब्रिटेन जो देश है ये डेविस कप देशों की आईटीएफ रैंकिंग में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में जो है HL दत्तू ने कार्यभार को संभाला है। नेक्स्ट है नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो नेटवेयर जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको नोवेल के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो पावर ट्रांसफार्मर की जो है कार्य प्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, तो चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। नेक्स्ट है किसने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशियाई कप T20 जीता था, तो भारत ने जो है बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशियाई कप जो है T20 कप जीता था। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है, तो एंटीबायोटिक जो है यह पेंसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है, और पेंसिलिन का खोज किसने किया था, ए फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे RRB NTPC स्नातक स्तर के स्टेज 1 के 7/4/2016 के शिफ्ट 3 को, तो पहला प्रश्न है कौन सा लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है, तो तुलसी का पौधा जो है एक लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा है। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है, तो हीराकुंड डैम जो है महानदी पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो तारामंडल के नामकरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एजेंसी जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट है चेचक के टीका किसने प्रदान किया था, तो चेचक के टीका जो है एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है संविधान का 99वां संशोधन जो है किसके बारे में है, तो संविधान का जो 99वां संशोधन है यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना इसी के बारे में है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के दल की स्थापना किया था। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में जो है सफ़ेद और नीला रंग जो है सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा संशोधन जो है सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रूप में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है, तो संविधान का जो है 93वां संशोधन जो है
सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किसमें संग्रहित की जाती है? तो एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी जो है किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। नेक्स्ट है, किसको भारतीय संगीत में उसके योगदान के लिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था? तो एआर रहमान जो एक भारतीय संगीतकार हैं, इन्हीं के संगीत में योगदान के लिए इन्हें हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था, एआर रहमान को। नेक्स्ट है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार जो है अंडाकार होता है। नेक्स्ट है, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो एक बाइट्स इक्वल टू होता है 8 बिट के बराबर। एक बाइट्स इक्वल टू होता है 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में कौन से देश में शुरू हुआ था? तो गोल्फ का खेल जो है 15वीं सदी में स्कॉटलैंड देश में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई हैं, उसने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था? तो उन्होंने जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को पास कर दिया था। नेक्स्ट है, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? तो साबुन में एंटीसेप्टिक गुण जो है बिथिनॉल मिश्रण के कारण जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, डेज ऑफ ग्रेस जो है किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो डेज ऑफ ग्रेस जो है यह आर्थर एसे जो एक टेनिस लीजेंड है इसी की जीवनी है, डेज ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, यह जो है तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो भारत में पुर्तगालियों ने जो है कोचीन शहर में अपने पहले किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों यानी कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचालित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोलुटेट करता है? तो मॉडेम जो एक ऐसा यंत्र है वो क्या करता है, डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को यानी कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचालित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोलुटेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। नेक्स्ट है, मुंबई वासियों के लिए भारत डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प्स का मुख्य विशेषता क्या है? तो मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प का मुख्य विशेषता है अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो। यही उसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं और यहां पर 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, तो अजंता की गुफाएं जो है 2वीं सदी ईसा पूर्व इतनी प्राचीन है, दूसरी ईसा सदी पूर्व में बनाया गया था अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो विज्ञान या पृथ्वी के परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहता है? तो विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विलायक अणुओं की एक अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में जहाज नेट गुन्नेट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से समान बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो विलायक अणुओं की एक अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुन्नेट जो कि उस दिशा में घुल रहे पदार्थों की घनता को एक दूसरे में समानता बनाती है उसे ऑक्समोसिस कहते हैं।